वालेकुम अजीज तलबा, मेरा नाम मोहम्मद अलमास, मैं आपका पाकिस्तानी का टीचर हूँ। बेटा आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की अरकान असम्बली का कन्वेंशन, मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली का कन्वेंशन 1946। ठीक है बेटा, पीछे हमने पढ़ा था कि 1945 और 46 में, दिसंबर 1945 और जनवरी 1946 में मरकजी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हुए। ठीक है बेटा, तो आपको याद होगा कि पूरे बरसगीर मुसलमानों के लिए कितना नशिस्तें थी, 30। ठीक है बेटा, और 30 नशिस्तों पर खड़े होने वाले उम्मीदवार कामयाब हुए, इस तरह उनको 100% कामयाबी मिली। और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए तो उसमें टोटल नशिस्तें कितनी थी, 492, और मुस्लिम लीग ने कितनी हासिल की आपको याद होगा, 428। कितनी, 428। तो बेटा इस नुमाया कामयाबी जब हासिल हुई मुस्लिम लीग को, तो फिर कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक कन्वेंशन मुकर्रर किया, और जो कि 19 अप्रैल 1946 को मुकर्रर हुआ। उसका इनका क्या हुआ बेटा, मुस्लिम लीग की अरकान असम्बली का कन्वेंशन कब हुआ, 19 अप्रैल 1946। किस मकाम पे, दिल्ली में। किस मकाम पे, दिल्ली में हुआ जी बेटा। तो मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले सूबाई और मरकजी असम्बली की अरकान असम्बली का एक कन्वेंशन कायदे आजम की सदारत में मुनक़द हुआ। किसकी सदारत में, कायदे आजम की सदारत में, जिसमें मुल्क के सूरत हाल पर बहुत मुदल्लल तकारीर हुई, बहुत मुदल्लल तकारीर यानी दलील के साथ अरकान असम्बली ने अपना अपना मुद्दा पेश किया। कायदे आजम ने अपनी तकरीर में फरमाया, ठीक है बेटा, कायदे आजम ने अपनी तकरीर में फरमाया, क्या फरमाया, कोई ताकत हमें अपने मकसद की उसूल से रोक नहीं सकती। हमारा मकसद क्या था बेटा, हमारा मकसद था पाकिस्तान का उसूल जी। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के उसूल से हमें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, उम्मीद हौसला मंदी और ईमान की कुव्वत से हम कामयाब होंगे, उम्मीद हौसला मंदी और ईमान की कुव्वत से हम कामयाब होंगे। जब ये बात की तो तमाम अरकान असम्बली ने मुत्तफिक तौर पर यह करारदाद पास की। तो आपने मजीद फरमाया, ये कन्वेंशन एक मरतबा फिर ऐलान करता है, ये कन्वेंशन एक मरतबा फिर ऐलान करता है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बुनियाद पर अगर कोई दस्तूर मुसरत करने या मरकज में मुस्लिम लीग के मुतालबे के खिलाफ कोई जबरन अबूरी इंतजाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह कांग्रेस चाहती थी कि बड़े सगीर को तकसीम ना किया जाए बल्कि सिर्फ अंग्रेजों से इसको निजात दिलाई जाए, जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि नहीं, अंग्रेजों से निजात के बाद फिर इसको पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया जाए, दो आजाद रियासतें बना दी जाए। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया, अगर इसमें कोई चीज रुकावट बनती है तो फिर मुसलमानों के लिए इसके सिवा कोई चारा ना होगा कि वो अपनी बका और कौमी तहफ़ के लिए तमाम मुमकिन तरीकों से उसकी मुखालफत करें, यानी जो जबरी इंतजाम मुसरफ किया जाएगा उसकी फिर मुसलमान हर तरह से मुखालफत करेंगे। कायदे आजम की साफ गुफ्तगू, कायदे आजम की साफ गुफ्तगू जी मुस्लिम लीग कन्वेंशन की तकारीर और करारदाद का यह असर हुआ कि हिंदुस्तान के सियासी मसले के हल में काबीना मिशन के अरकान को भी पाकिस्तान नागुजीर मालूम होने लगा। यानी काबीना मिशन जो था वो क्योंकि बरतानिया से आया हुआ था और उसमें अंग्रेज शामिल थे, तो उनके लिए मसला हो गया, वो भी इस बात पर मजबूर हो गए कि हाँ अब पाकिस्तान बन के रहेगा, मुसलमान अब पीछे हटने वाले नहीं है। तो बेटा वजीर आला हुसैन सरवर शहीद सोहरावर्दी, ये एक शख्सियत है बेटा कि जिन्होंने इसके बाद एक और करारदाद वजीर आला बंगाल हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने पेश की जो मुत्तफिक तौर पर पास हो गई। बेटा ये एक्सरसाइज का सवाल नंबर एक है, शार्ट सवाल नंबर एक, ये करारदाद किसने पेश की, करारदाद किसने पेश की, वजीर आला बंगाल हुसैन सरवर शहीद सोहरावर्दी, वजीर आला बंगाल
हुसैन सलमीन ने पेश की। अच्छा बेटा, इसमें क्या कहा गया था कि शुमाल मशरक के खत्ते में बंगाल और आसाम, शुमाल मगरबी खत्ते में पंजाब, मशरक के खत्ते में बंगाल और आसाम और मगरबी खत्ते में पंजाब, सुबह सरहद यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान को मिलाकर एक आजाद और मुख्तार मुमलकत की तश्कील दी जाए, इस बात की हतमी यकीन दहानी कराई जाए कि पाकिस्तान बिला ताखीर कायम कर दिया जाएगा, बिला ताखीर कायम कर दिया जाएगा। तो ये बेटा करारदाद थी। इस करारदाद से इबहाम और सुकून दूर हो गया जो 1940 की करारदाद में रियासतों का लफ्ज इस्तेमाल करने से पैदा हुआ था। बेटा वो जब हमने मतन पढ़ा था करारदाद पाकिस्तान का कि कोई भी आईनी मनसूबा उस वक्त तक काबिल अमल नहीं होगा जब तक के दर्ज ज़ैल बुनियादों पर वज़ा ना किया गया हो कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वहां मुसलमानों के लिए अलग रियासत बना दी जाए और जहां हिंदुओं की अक्सरियत है वहां उनके लिए अलग रियासत बना दी जाए और दोनों अफवाह जो है वो क्या करें, वो अकलियत का ख्याल रखें। तो बेटा वहां रियासतों का अलग इस्तेमाल किया गया था तो वहां इबहाम पैदा था। तो लिहाजा इस करारदाद से वो इबहाम और सुकून दूर हो गया। कन्वेंशन के इख्तिताम से पहले हर मेंबर ने क्या पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने और उसके लिए हर कुर्बानी देने का हल उठाया। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर जो मुकम्मल हुआ। अगर इसमें कोई बात रह गई हो तो आप रब्ता करके अपनी कमी दूर कर सकते हैं।